लाइक मेरे घर में तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ हमारे घर में लाइक मेरे भाई और मेरे को भी इक्वली ट्रीट किया जाता है। बस ये है कि बस मेरे को रातों को बाहर नहीं जाने को मिलता है, उसको मिल जाता हूँ। हाँ, क्या बोलते हैं पापा, ऐसा क्यों लगता है? आपने सोचा नहीं है? बस सोसाइटी की वजह से, पेरेंट्स हमारे सोसाइटी हमसे ज्यादा ही जानते हैं, तो बस उसी के लिए वो मना करते हैं। आपका आपका नाम क्या? आयुषी द्विवेदी। आयुषी द्विवेदी, आप क्या कर रहे हो? हाँ, बीए फर्स्ट। तो आपने बीए करना ही क्यों सोचा? लाइक मेरा आगे से फ्यूचर था कि मेरे को बीएड करना है, टीचिंग लाइन में जाना है, इसलिए मैंने। ये आपका सपना था कि वो भाई साहब के जैसे कि मम्मी ने डॉक्टर का सपना देखा, तो आपके मम्मी ने भी कुछ और पापा ने भी सपना देखा, उस सपने को आप पूरा कर रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपने हिसाब से सोचा। सब्जेक्ट क्या लिया है? मैंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी और इंग्लिश लिया। तो बीए लास्ट ईयर तक आप क्या रखेंगे, क्या छोड़ेंगे? मेरा पॉलिटिकल और ज्योग्राफी रहेगा, इंग्लिश मेरे को छोड़ना है। आगे क्या करना है? बीएड। तो आपका जो देश में क्या चल रहा है ना, न्यूज़ का जरिया आपका क्या है? शाम में जो आप समय निकालती हैं न्यूज़ के लिए, कौन सा चैनल देखती हैं और पेपर कौन सा पढ़ती हैं? दैनिक जागरण पेपर पढ़ती हूँ मैं, समटाइम्स एबीपी न्यूज़ और एनडीटीवी। ये हमको बताइए कि एक अंतर देखा जाता है लड़कों और लड़कियों में, लड़कों का ज़्यादा मान जान है, लड़कियों का कम, ऐसा ऐसा लोगों का कहना है ना, आपके घर में माहौल क्या है? लाइक मेरे घर में तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ हमारे घर में लाइक मेरे भाई और मेरे को भी इक्वली ट्रीट किया जाता है। बस ये है कि बस मेरे को रातों को बाहर नहीं जाने को मिलता है, उसको मिल जाता है। हाँ, क्या बोलते हैं पापा? लाइक रात में क्यों बाहर जाना है, जरूरत क्या है, काम सारा हो जाता है, ऐसे बात नहीं है, लेकिन एक होता है ना? ये एक अंतर दिखता है कि रात में बाहर नहीं जाना। हाँ, बस ऐसा क्यों लगता है? आपने सोचा नहीं है? बस सोसाइटी की वजह से, पेरेंट्स हमारे सोसाइटी हमसे ज्यादा ही जानते हैं, तो बस उसी के लिए वो मना करते हैं। पापा क्या बोलते हैं, आपको क्या बनना है बेटा? मेरे पापा आर्मी में है, और ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पर इतना दबाव नहीं है कि आपको ये करना है वो करना है, मेरा जो मन करता है। नहीं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, नॉर्मली पापा ड्यूटी पे ही रहते हैं, बस एक दो घंटे के लिए कॉल आता है, और हम भी कॉलेज आते हैं जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है पेरेंट्स के, पापा के साथ कॉल पे भी, बस ये कहते हैं आज का दिन कैसा गया, पढ़ाई कैसी हुई, क्या हुआ, बस ये सब चलता है। तो आपका फेवरेट नेता कौन? नेता तो मेरा कोई फेवरेट नहीं है। एक्टर, प्रोफेसर? कुछ नहीं। कोई तो लाइफ में होगा ना जिससे मोटिवेशनल वीडियोस आप देखती होंगी, खुद को मोटिवेट करती होंगी, कोई होगा ना? मैंने श्रुति जैन देशमुख का देखा है वीडियोस, ज्यादा नहीं देखा है, थोड़ा ही देखा है मैंने। युवा इस समय संदीप महेश्वरी, ये वो मोटिवेशनल वीडियो मोटिवेट करते हैं लोगों को, संदीप महेश्वरी थोड़ा बहुत देखते हूँ मैं, फोन ज्यादा यूज नहीं करती हूँ। आप देखिए, कुछ युवा हैं उनसे हम बात करना चाहते थे और हमने बात किया कि वो कोई अगर वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे वो बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, है ना? तो इन बच्चों ने बताया कि इनके खुद के सपने हैं, वो एक भाई साहब ने भी बताया, क्या नाम पड़ेगा आपका? अमन ने बताया कि मम्मी का सपना था कि वो डॉक्टर बने, तो कहीं ना कहीं बच्चों को खुद के सपने पर छोड़ दिया जाए तो बेहतर है, मम्मी का सपना, भाई का सपना, पापा का सपना। तो आप कभी पूछिए उन बच्चों से कि उनका सपना क्या है, खुद का सपना क्या है। अमन ने बड़ी अच्छी बात कही, वीडियो में है भी, तो ऐसे ही बच्चे हैं, लगातार अपनी बातें इन्होंने कही कि वो किसी यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ रहे हैं, उस क्यों को बताया, और बच्चों ने ये बताया कि इनके न्यूज़पेपर का जो देश में जो भी कुछ चल रहा है उसका जरिया क्या है जानने का, आगे ये क्या करना चाहते हैं। तो यही हमारे देश के युवा हैं, और भारत सबसे ज़्यादा युवाओं वाला देश है, तो युवाओं को मुखर होकर आना चाहिए, और जब युवा अपनी बात रखते हैं किसी भी क्षेत्र में किसी भी पक्ष पे, तो लोकतंत्र मजबूत होता है। तो ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। ये जो कुछ मैं दिखा पा रहा हूँ अरमान के कैमरे के नज़र से दिखा पा रहा हूँ, कैमरा अरमान संभाल रहे हैं, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी, और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।